हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में यूज़र्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। यूज़र्स पे क्लिक करिए। यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र परमिशन। यूज़र मैनेजमेंट से हम यूज़र क्रिएट करते हैं एंड यूज़र परमिशन से पर्टिकुलर यूज़र को परमिशंस ग्रांट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, इससे हम यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ यूज़र्स का लेवल दिया गया है, यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर एडमिन के लिए तो सारे मॉड्यूल्स एक्सेसिबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, बट यूज़र के लिए हम यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको परमिशन ग्रांट करते हैं। सो हमारा लेवल है यूज़र। यूज़र नेम, सपोज मैं फॉर एग्जांपल एक क्रिएट करके दिखाती हूँ, फिर हम पासवर्ड एंटर करेंगे इस यूज़र के लिए और इसे सेव कर देंगे। सो हमने ये सुमन यूज़र क्रिएट किया। सपोज इसका हमें पासवर्ड व्यू करना है, देन व्यू पासवर्ड, पासवर्ड आ गया सुमन, यूज़र सुमन एंड पासवर्ड भी सुमन। ओके, इसमें कोई भी यूज़र अगर हमें डिलीट करना है देन ये ऑप्शन दिया गया है, अदरवाइज क्लोज। अब हमने यूज़र क्रिएट कर लिया है। यूज़र परमिशंस पे आते हैं, जो भी यूज़र क्रिएट किया है उसे सेलेक्ट करते हैं और परमिशंस को जो उसके लिए परमिशन एक्सेस उसको करना है वो परमिशन यस कर देंगे। सपोज उसे अकाउंट्स मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना है, एक्सेस नहीं देना है, देन नो। जो भी एक्सेस देना है यस, ये सारा परमिशन ग्रांट करके सेव कर देना है। तो उसके लिए परमिशन सेव हो गया। इस तरीके से हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में यूज़र्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं।